अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? और आज तारीख है 20 फरवरी 2023। ठीक है, मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, नया वीक भी स्टार्ट हो गया है। तो उस हवाले से अगर देखें तो गोल्ड का सिनेरियो सबसे पहले देख लेते हैं, जो लास्ट चल रहा था। मैंने पिछली अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब तक गोल्ड 1800 ब्रेक करके और एक हफ्ते तक होल्ड नहीं करता तो मैं इसको बेयरिश कंसीडर नहीं करता हूँ। एक हफ़्ता इसलिए, वैसे तो हम एक दो दिन में एविडेंस कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक हफ़्ता इसलिए कि आजकल मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी कम है, एकदम से मूवमेंट आती है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। यूरो ने भी अपनी सपोर्ट होल्ड रख ली है थोड़ी सी। डॉलर की बात करें तो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता हुआ नज़र आता भी है, वैसे तो थोड़ा सा और ऊपर रूम भी है इसके अंदर, तो वाई बी पॉसिबल गोल्ड अपनी थोड़ी सी मूव डाउन बना के और फिर ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, फिलहाल जो इसने अपनी सपोर्ट होल्ड रखी है गोल्ड ने, वो रखी है 1820 की। राइजिंग वेज ब्रेकआउट ले चुका है, तो अगर ये दोबारा 1837 या फिर 1830-25 की तरफ आता है तो बाइंग इसमें एक्सपेक्टेड हो रही है वैसे। ठीक है, ऑयल की अगर बात करें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसने अपना बनाया था, जिसका हेड जो 83 के अराउंड था और इसके जो शोल्डर्स लेफ्ट का था वो 80 के अराउंड था। अभी भी 80 के अराउंड राइट का बना हुआ है और प्रॉपर नेकलाइन देखें इसकी तो 73 के अराउंड बनती है। वैसे तो हमने इसमें छोटी सी बाइंग की थी 76 के अराउंड भी फ्राइडे को, उसको क्लोज कर दिया। तो अगर बाइंग अटैम्प्ट करनी है तो 73 to 72 ये लेवल है बाइंग अटैम्प्ट का नेकलाइन के लिए, अदरवाइज़ जो है 71 के अराउंड जो लेवल है वहाँ से इसके अंदर हम डबल बॉटम के लिए बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे और फिर मार्केट जाएगी 92 के लिए। और मैं इसके ऊपर अभी भी स्टिल बुलिश हूँ जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, यूरो यूएसडी देखें, बुलिश मोमेंटम बनाता दिखता है, उतनी वो बात नहीं रही। इंटरेस्ट रेट देखें, अगली मीटिंग में 0.25 बढ़ाएंगे, मार्केट प्री डेटा इम्पैक्ट ले लेगी ऑलरेडी, उसके बाद क्या होगा कि अगर बहुत भी ड्रॉप हो गया 1.04 के अराउंड यूरो यूएसडी का पेयर ड्रॉप होता दिखता है, अदरवाइज़ वहाँ से फिर बुलिश मोमेंटम बना के और ये आस्ते आस्ते लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से डॉलर की भी जाहिर सी बात है मूवमेंट बनेगी और ऑयल के भी मैंने आपको बता दिया। डेटा की तरफ चल के देखते हैं, तो इस वीक में हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा क्या है। आज मंडे है, मंडे को तो इनका यूएसडी हॉलीडे आ रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट डे, कोई खास वॉलीटिलिटी नहीं आएगी, वैसे तो यूएस सेशन में ही वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो आज यूएस बैंक हॉलीडे है तो कोई ख़ास इसमें नहीं कह सकते कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट बनेगी। ठीक है, ट्यूसडे के अंदर हमारे पास थोड़ा डेटा है यूएसडी का और वो है पाकिस्तान टाइम 7:45 और 8 बजे। वेनसडे को कोई ख़ास डेटा नहीं है और थर्सडे यानी कि वेनसडे के बाद रात 12 के बाद जैसे ही थर्सडे स्टार्ट होगा हमारे पास रात को 12 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ये थोड़े से देखना इस वक्त इंपॉर्टेंट होंगे, हर वक्त नहीं होते लेकिन इस वक्त इसलिए होंगे कि हमें इसके अंदर कोई ना कोई हिंट मिलेगी, मार्केट एक्सपेक्ट करेगी, इसका वेट करेगी, कोई हिंट ऐसी मिले जिसके बिहाफ पे कि जी आगे क्या होने जा रहा है। जो ये र्यूमर्स हैं कि जी 0.50 के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जाएंगे, इस पर कितनी सच्चाई है क्या नहीं है। तो जैसे लास्ट टाइम था कि बोल रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट होल्ड कर लिए जाएंगे, उल्टा कट कर देंगे, ये एक र्यूमर मार्केट में आया था जिसके बिहाफ पे मार्केट जो है डॉलर बहुत वीक हो गया था। देन आफ्टर फिर जब फैक्ट आया था उसका रिज़ल्ट सबके सामने था और अभी ये हो रहा है कि अब ये बोल रहे हैं कि जनाब 0.50 से इंक्रीज़ करेंगे, जबकि ऐसा मैंने पहले भी बताया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा मैं रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो वेल देखेंगे एफएमसी मीटिंग मिनट्स पे क्या होता है, क्या हिंट देती है मार्केट। उसके बाद फ्राइडे होगा, फ्राइडे के अंदर भी हमारे पास यूएसडी का डेटा है तो अच्छी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थर्सडे और फ्राइडे को ही कर रहा हूँ मैं वैसे तो, प्रॉपर जो अगर हो गए लेवल्स वगैरह तो उस हिसाब से देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि गोल्ड जो है देखें अगर थोड़ा ड्रॉप करता है बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें और इनिशियली लेवल इसका होगा 1870 और 1885। ठीक है, $1885 पर आउंस जो है यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, फिलहाल इससे ऊपर मुझे नहीं दिख रही गोल्ड के लिए। वो फिर ये है कि अगर इन लेवल्स पे जाती है तो वहाँ से सेल बनेगी 1790 वगैरह के लिए इस रेंज के अंदर, बाकी फिर देखेंगे। हाँ, माइट बी पॉसिबल अगर एफओएमसी पे कोई ऐसी हिट वगैरह नहीं मिलती और ये 1885 ब्रेक कर देते तो इजीली 1950-60 के लिए दोबारा मार्केट जो है अटेम्प्ट करेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना पोटेंशियल कोर्ट के अंदर नहीं दिख रहा कि इस लेवल तक मार्केट जंप करे। टोटली डिपेंड ऑन द एफओएमसी मीटिंग मिनट। ठीक है,
मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। रब्ता कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, किसी भी हवाले से पूछना चाहे, करते रहते हैं लोग रब्ता, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अल्लाह।